तो चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी, बुक का 9.1 जो सेक्शन है। तो हेरिडिटी वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज द पासिंग ऑन द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग आइदर थ्रू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात अर्थात अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इस ऑर्गेनिज्म से जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो अब देखिए पहली चीज तो क्या होता है, आप ये समझिए कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म से अगला ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो बनने के लिए, नया ऑर्गेनिज्म बनने के लिए पहले तो एक डाटा चाहिए, एक यू कैन से एक रिसोर्स चाहिए, एक रेसिपी चाहिए, कुछ कैरेक्टर चाहिए कि भाई अगला ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का अगला जनरेशन ह्यूमन होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो क्या होगा, ये जो डाटा तो चाहिए ना ह्यूमन का, कि भाई ह्यूमन की एक नाक होती है, दो आंखें होती हैं, समथिंग, ये सारा डाटा कहाँ से मिलेगा। तो क्या होता है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉपी, वो यू कैन से कैरेक्टर पास होते हैं एक पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में। किसके थ्रू होते हैं, डीएनए के थ्रू होते हैं। होता क्या है, जब इससे ये बन रहा होता है तो इसका डीएनए कॉपी होता है, इसका डीएनए जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे सेक्सुअल चाहे असेक्सुअल हो, डीएनए जो होता है वो कॉपी होता है। और डीएनए कॉपी होने के बाद इन मतलब डीएनए कॉपी होने के बाद नए इंडिविजुअल्स का डीएनए बनता है, यानी एग्जैक्ट पिछले डीएनए लिया, उसे कॉपी किया और नया डीएनए बना दिया गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस तरीके से डाटा मिलता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना कैरेक्टर को पास ऑन करने की, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। दैट इज ये जो प्रोसेस होती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर पास ऑन हो रहे होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोल लीजिए, इनहेरिटेंस बोल लीजिए, एक ही बात है। अच्छा एक और क्वेश्चन, हेरिडिटी कब होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एक जीव से दूसरे जीव का बनना, ये नया ही जीव बन रहा है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो हेरिडिटी जो परफॉर्म होती है वो मोटे मोटे तौर पे रिप्रोडक्शन के दौरान होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक जीव से दूसरा जीव बनता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा जो ऑर्गेनिज्म बनता है, तो हेरिडिटी भी तभी परफॉर्म होती है। डन, तो ये था आपका हेरिडिटी, आशा है आपको समझ में आया होगा।